हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जायसवाल सर फिर से उपस्थित हूँ ऑर्गेनिक लेकर। तो लास्ट क्लास में बच्चों, मैंने आपको बताया था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट चौथी क्लास है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। सेकेंड क्लास में मैंने पढ़ाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड क्लास में मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फोर्थ क्लास है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आप देखो, स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ब्रॉडली दो तरीके का होता है। फर्स्ट, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं हम ए साइक्लिक कंपाउंड, और ए साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का ही दूसरा नाम क्या है? ए साइक्लिक कंपाउंड। और सेकंड नंबर पर दूसरा है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, या इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। इसी का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक कंपाउंड। आप देखो, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है या क्लोज चेन कंपाउंड क्या होता है? कहने का मतलब, कंपाउंड में कोई भी, अगर कंपाउंड में एक भी साइक्लिक सेगमेंट हुआ, अगर कंपाउंड के अंदर एक भी साइक्लिक सेगमेंट हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज चेन कंपाउंड। और अगर कंपाउंड के अंदर एक भी साइक्लिक सेगमेंट क्या है? प्रेजेंट नहीं है, एक भी साइक्लिक सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ओपन चेन कंपाउंड और ए साइक्लिक कंपाउंड। आप देखो, इसको फर्दर हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, फर्दर दो तरीके से, जिसमें से फर्स्ट है सेचूरेटेड कंपाउंड। सेचूरेटेड कंपाउंड, जैसे मैंने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफाई किया था, सेचूरेटेड कंपाउंड। और सेकेंड, ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हर बुक में प्रेजेंट होगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। आप देखो बच्चों, सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सेचुरेटेड हो, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, आइदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। जैसे आप देखो, CH4, CH3, CH3 इथेन, फिर CH3, CH2, CH3, ये सब के सब क्या है? सेचूरेटेड कंपाउंड है। अब देखो नेक्स्ट, क्लोज चेन, ये तो सबसे आसान पार्ट था। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ए साइक्लिक और साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब कंपाउंड के अंदर कोई भी साइक्लिक सेगमेंट प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो, ठीक है। और साइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड में क्या हो, एटलीस्ट वन साइक्लिक सेगमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपाउंड या रिंग, है ना। कहने का मतलब क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर हो। अब देखो, अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो हो सकता है कि जो साइकिल है, जो साइकिल है या रिंग है, जो साइकिल है या जो क्या है, रिंग है, इस रिंग में केवल क्या प्रेजेंट हो? केवल कार्बन एटम की रिंग हो। इस रिंग में केवल क्या प्रेजेंट हो? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की रिंग हो। अगर रिंग में केवल क्या होगा? कार्बन एटम होगा, ठीक है, एक ही टाइप का एटम होगा, तो उसे हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। केवल कार्बन रिंग में क्या हो, केवल कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। सेकेंड, अगर रिंग में कार्बन के अलावा अनदर, कार्बन के अलावा अदर एटम भी क्या हो, प्रेजेंट हो, जैसे लाइक क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर,
तो उसे हम बोलेंगे क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, उसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आप देखो ये सब क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड के टाइप्स हैं। अगर साइक्लिक होगा तो दो टाइप्स का होगा, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक किसे बोलेंगे, जो साइकिल है, जो रिंग है, उस रिंग में केवल क्या हो, कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कार्बन 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 एटम प्रेजेंट हो। और अगर रिंग में क्या हो, कार्बन एटम के अलावा कोई हेट्रो एटम, कोई डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे होमोसाइक्लिक में देखो आप, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, होमोसाइक्लिक में क्या क्या आ सकता है, जैसे देखो ये हो गया थ्री मेंबर रिंग, ये ट्राइंगल नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आगे हम पढ़ेंगे इनके नेमिंग। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने डिनोट किया है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, थ्री कार्बन है, और ये क्या है, क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, साइक्लोप्रोपेन। इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। जैसे और भी हो गया यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे सिक्स कार्बन है, इस रिंग में कितने टोटल कार्बन है, तीन फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स कार्बन का रिंग है, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। जैसे और भी हो सकता है, जैसे देखो आप, जैसे मैं ये ले लूँ, ये तो बहुत ही प्यारा कंपाउंड है ना, इसका नाम क्या है, बहुत ही सुंदर, बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन। आईपैक नेमिंग हम आगे पढ़ेंगे, अभी इस बात की टेंशन ना लें, अभी नेमिंग पर ना जाएं, बस आप आइडेंटिफाई करें कि ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है। ये देखो सारे साइक्लिक कंपाउंड है, सारे क्या हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, क्लोज्ड चेन कंपाउंड है, क्लोज्ड लूप स्ट्रक्चर है। लेकिन साइक्लिक में भी कौन सा साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, तो ये सब के सब क्या हैं, होमोसाइक्लिक हैं। कैसे पता, क्योंकि जो रिंग है, रिंग में कहीं भी कार्बन के अलावा दूसरा एटम कोई नहीं दिख रहा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा डिफरेंट एटम नहीं दिख रहा, सब के सब क्या है, कार्बन। और आपको पता है कि हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन एटम को कभी भी शो नहीं करते। जैसे मान लो मैं ये दे दूँ आपको, ये दे दिया, मन की आंखों से देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ओ एच, इसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल है। आप देखो यहाँ पर जब भी हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक चेक करेंगे तो रिंग में जो एटम है, रिंग के एटम को क्या करेंगे, हम चेक करेंगे जो रिंग में एटम प्रेजेंट है। आप देखो यहाँ पे जो रिंग में एटम प्रेजेंट है, ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन। ये जो ऑक्सीजन है, ये रिंग से क्या है, बाहर है। ये जो रिंग है केवल, ये जो रिंग है ये केवल सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम की है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। यानी कि रिंग में केवल क्या हो, रिंग अगर कार्बन एटम की हो, सिर्फ रिंग सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन एटम की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। अब नेक्स्ट देखो, जैसे हेट्रोसाइक्लिक आपको दे दिया, हेट्रोसाइक्लिक, तो सबसे आसान देखो, मन की आंखों से देखो, जैसे ये मैं ले लूँ, मन की आंखों से देखो, हेट्रोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा कोई मैं डिफरेंट एक एटम कर दूँ, नाइट्रोजन, तो देखो ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसे ये नाइट्रोजन जो है किस में प्रेजेंट है, रिंग में, ये यन किस में प्रेजेंट है, रिंग में, तो ये क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता, अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए, कोई डिफरेंट एटम आ जाए कार्बन के अलावा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। नाम से क्लियर है यार, हेट्रो कोई डिफरेंट हो जाए। जैसे मान लो मैं ये ले लूँ, अभी नेमिंग पर ना जाएं, जैसे देखो ये ऑक्सीजन आ गया, जैसे ये देखो यहाँ दो दो ऑक्सीजन आ गया, ये सब के सब क्या है मेरे भाई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ कार्बन के अलावा क्या है, दूसरा एटम भी है, इनमें कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी क्या है, प्रेजेंट है, वो कौन सा एटम है, ऑक्सीजन एटम। जैसे आप देखो ये देखो ये यहाँ पर कार्बन के अलावा देखो दूसरा एटम भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन बना दिया, यहाँ सल्फर कर दो, तो ये देखो ये सब के सब क्या हैं, हेट्रोसाइक्लिक है, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, और मैं आपसे पूछूं कि ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, देखो जैसे मैंने ये आपको दे दिया, मन की आंखों से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से।
ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक किसे बोलते हैं, जब रिंग में केवल क्या हो कार्बन एटम हो। हेट्रोसाइक्लिक कब बोलते हैं, जब रिंग में कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम हो। तो यहाँ देखो रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन कार्बन, हर जगह सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। देखो मगर बोर्ड पे, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये तो रिंग से क्या है बाहर है, तो ये किस टाइप का कंपाउंड हुआ, होमोसाइक्लिक। ये क्या होगा, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। जैसे मान लो ये मैं दे दूँ आपको और ये मैं बोलूँ कि ये किस टाइप का कंपाउंड है, ध्यान से देखो ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक, ये तो साइक्लिक ही नहीं है, ये क्या है ओपन चेन कंपाउंड है, ये क्या है ओपन चेन कंपाउंड, ये साइक्लिक नहीं है भाई। अगर साइक्लिक होगा तब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की हम बात करेंगे। ये क्या है, एक ओपन चेन कंपाउंड है, क्या है ये, तो एक ए साइक्लिक कंपाउंड है, ए साइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। जैसे मान लो मैं ये दे दूँ, मन की आंखों से देखो, है ना, जैसे मैं ये ले लिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2। अब देखो ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था, आप देखो कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम दिख रहा है, कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम दिख रहा है नाइट्रोजन, तो क्या ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। लेकिन ये नाइट्रोजन क्या है, रिंग से बाहर है, जो रिंग बना है ये रिंग केवल कार्बन एटम की बनी है। देखो जो नहीं दिखता वो कार्बन होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में या कार्बन हाइड्रोजन होता है, ये सब के सब क्या है कार्बन कार्बन है। तो ये क्या होगा मेरे भाई, होमोसाइक्लिक होगा, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस रिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या है कार्बन एटम है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो एक मिनट ध्यान से सोचो मैंने क्या बताया, आज मैंने आपको पढ़ा रहा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरह का होता, दो तरह का, ए साइक्लिक साइक्लिक, ए साइक्लिक भी दो तरह का होता, फिर सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड। साइक्लिक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर साइक्लिक होगा तो वो होमोसाइक्लिक होगा या हेट्रोसाइक्लिक होगा। जैसे और भी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकता है, जैसे देखो ये सब क्या है, ये NH, ये सब क्या है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। रिंग में कार्बन के अलावा कोई क्या आ जाए, दूसरा एटम आ जाए, कोई डिफरेंट एटम आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाइट्रोजन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिफरेंट एटम। हमारा मतलब ये हो कि रिंग में अगर केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक, और रिंग में कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप का होता है। तो क्लास टेंथ में पढ़ा होगा आपने क्या, एक फंक्शनल ग्रुप, बहुत ही क्या लाजवाब चीज, जबरदस्त चीज, क्या फंक्शनल ग्रुप। जैसे किसी इंसान का फेस देखकर आप बता देता क्या कि इसका नाम क्या है, राम है श्याम है, ठीक है, वैसे ही किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को देख के हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप देख के क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इस कंपाउंड का नेचर क्या होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप, मैं बोलूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है वाले, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता, याद करो वो दिन जिस दिन आप पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप नाम ही है फंक्शन, फंक्शनल ग्रुप जो फंक्शन करता है, फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। देखो इधर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, मैं बता रहा आपको, आयन एटम, आयन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड या कैरेक्टराइज केमिकल प्रॉपर्टीज
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। मन की आंखों से देखें फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, एन एटम कोई एक एटम भी हो सकता है या एटम का ग्रुप भी हो सकता है, जो क्या डिसाइड करे केमिकल प्रॉपर्टी। यानी केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखो थोड़ा यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखा है मेरे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ क्या है, केमिकल रिएक्शन से, क्या मतलब है केमिकल रिएक्शन से। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता, जैसे मैंने क्या बताया एफ जी, नाम लिखो एफ जी, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा जी एफ, एफ जी का अपोजिट से पढ़ोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगा, है ना। सामने से पढ़ोगे तो एफ जी का मतलब फंक्शनल ग्रुप और जी एफ का मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता, डिसाइड करता। यानी कि हम फंक्शनल ग्रुप भी देख के क्या करेंगे, बताएंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होगा या इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, किस टाइप की होगी, ठीक है। आगे अभी बस याद करो आप जो मैं बता रहा, आप बस ध्यान से सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि फंक्शनल ग्रुप किसके लिए जिम्मेदार होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए कौन जिम्मेदार होगा, फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही जिम्मेदार होगा, किसके लिए किसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ देखो एक बात और, जैसे मैं एल्केन की बात करूँ, आप देखो जैसे एल्केन हुआ ये CH3, ये दुनिया के सबसे सुधरे हुए कंपाउंड होते हैं, इनसे अच्छा सुंदर कोई कंपाउंड होता ही नहीं। ये इतने सुधरे हुए कंपाउंड है कि ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते, चाहे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट मान लो, या कोई भी रिएजेंट इसमें ऐड कर लो। आप देखो ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन ही ऐसे हैं जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, एल्केन ही ऐसे एक ऐसे कंपाउंड है। डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। आप देखो एल्केन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो ये सबसे क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, है ना, सबसे क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या, अनरिएक्टिव, या हम क्या बोलते हैं, इनर्ट, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इनर्ट, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एल्केन क्या होते हैं, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, या क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। दुनिया के सबसे सुधरे हुए कंपाउंड कौन होते हैं, एल्केन, जो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते, केवल लाइट के प्रेजेंस में फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन शो करते हैं टूट टूट के थोड़ी मोड़ी, ठीक है। आप देखो लेकिन जैसे ही आप देखो ये आपका सबसे प्यारा पसंदीदा कंपाउंड CH3CH2OH एल्कोहल, आपका सबसे पसंदीदा कंपाउंड कौन है, एल्कोहल, मैंने वही लिया है। देखो तो ये जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप को डिनोट कर रहा, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब जो फंक्शन करता है, ठीक है, किस टाइप का फंक्शन करता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, जो केमिकल रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा केमिकल रिएक्शन। और ये क्या है, ये तो पूरा क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये फंक्शनल ग्रुप किसके लिए जिम्मेदार होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो देखो ये क्या है, OH क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ, जैसे देखो इसीलिए मैंने नोट कराया, एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम, ये पूरा देखो दो एटम का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करे, डिसाइड करे, उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे।
क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो ये आपका OH, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। आप देखो एक बहुत मैं बड़ी चीज़ बताने जा रहा है, बहुत ही बड़ी चीज है ना, 1 करोड़ की बात बोलने जा रहा हूँ, नोट कर लो अच्छे से। या अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम दिख गया तो वो फंक्शनल ग्रुप होगा। कोई भी एटम या ग्रुप दिख गया तो वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ध्यान से सुनो, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई भी एटम दिख गया, कुछ भी दिख गया तो वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। मैं ध्यान से सुनो फिर एक बार, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड को छोड़ के कुछ भी दिख गया वो फंक्शनल ग्रुप होगा। डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने अभी क्या बताया आपको? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करता है? डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे देखो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है? मैंने क्या बताया कि कार्बन हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड को छोड़ के कोई भी दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, वो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरियस फंक्शनल ग्रुप की, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वेरियस फंक्शनल ग्रुप। हम ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप की अभी बात नहीं करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में हम तो पढ़ते रहेंगे, अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप को हम देख लेते हैं, वेरियस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आप देखो वेरियस फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पर, कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो इधर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये क्या है? कार्बोक्जिलिक एसिड। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इसका फर्स्ट मेंबर देखो एच यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो फर्स्ट मेंबर आएगा ये आएगा फर्स्ट मेंबर। और आपको पता होगा कि इसको प्यार से हम क्या बुलाते हैं? फार्मिक एसिड। क्या बुलाते हैं? फार्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सी एच थ्री रख दूँ, इसी का सेकेंड मेंबर, तो इसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? एसिटिक एसिड। क्या कह के बुलाते हैं? एसिटिक एसिड। या इसी का नाम क्या है भाई? विनेगर। क्या बोलते हैं? विनेगर। और इसका नाम है एंट एसिड, इसको हम बोलते हैं एंट एसिड। ये सब कॉमन नेम है, जानना है, ये सब जानना भी क्या है, जरूरी है। कभी कभी दे देता है, एंट एसिड किसे बोलते हैं? फार्मिक एसिड को बोलते हैं। विनेगर किसे बोलते हैं? एसिटिक एसिड को बोलते हैं। अब देखो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पर देखो, सेकेंड नंबर पर है आपका सल्फोनिक एसिड। क्या है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड हालांकि ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, यह सल्फर कंटेनिंग एसिड है, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। बस इसको जान लो कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सल्फोनिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, सल्फर कंटेनिंग एसिड है, इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा। छापते रहिए, केवल देखते मत रहिए। सेकेंड, अब देखो थर्ड, थर्ड नंबर पर आता है एनहाइड्राइड। थर्ड नंबर पर क्या है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसी भी एसिड से वाटर निकाल दो, किसी भी एसिड से पानी निकाल दो, किसी भी एसिड से क्या निकाल दो? पानी, तो वो क्या कहलाएगा? एनहाइड्राइड। जैसे आपको पता होगा H2SO4 है, H2SO4 याद करो वो दिन जिस दिन आप पढ़ा होगा, H2SO4 से पानी निकाल दो, पानी का फार्मूला क्या होता मेरे भाई? H2O। तो यहाँ से H2 चला गया और एक ऑक्सीजन चला गया, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो क्या बचा? SO3। तो ये SO3 क्या है? एक आयन हाइड्राइड है। किसका? H2SO4 का। तो किसी भी एसिड से क्या करो? पानी निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा? आयन हाइड्राइड बन जाएगा।
जैसे आप देखो आयन हाइड्राइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आयन हाइड्राइड को, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं आयन हाइड्राइड। ये आयन हाइड्राइड का क्या है रिप्रेजेंटेशन, और इसका फर्स्ट मेंबर क्या आएगा। आप देखो ये कैसे बना होगा, कोई एसिड ले लो, जैसे कार्बोक्जिलिक एसिड ले लो, जैसे मान लो ये कार्बोक्जिलिक एसिड ले लिया, दो मोल ले लो कार्बोक्जिलिक एसिड, दो मोल आपने कार्बोक्जिलिक एसिड ले लिया मेरे भाई, और आपने इससे वाटर निकाल दो, पानी निकाल दो। पानी निकालने का तरीका, यहाँ से OH गया, यहाँ से H, ओ एच 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 टू ओ चला गया, और एच टू ओ चला गया तो क्या आएगा, देखो क्या बचा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, 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 और इन दोनों के बीच में क्या बच गया, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच गया। देखो यही क्या है आयन हाइड्राइड, यही क्या है आयन हाइड्राइड, समझ में आया। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, अगर यहाँ हम एच रख देंगे, अगर यहाँ एच रख देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। ये क्या है, ये बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कैसे बना होगा, देखो हम फार्मिक एसिड लिए होंगे, ये कैसे बना होगा, जैसे एच सी डबल ओ ओ एच, एच सी डबल ओ ओ एच, ये फार्मिक एसिड है। अभी मैंने बताया था ये कौन सा एसिड है, फार्मिक एसिड, जिसे एंट एसिड बोलते थे। इसमें से पानी निकाल दो, पानी निकाल दिया तो क्या बचा, एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन बचा, तो ये फार्मिक एसिड था, तो इसका नाम क्या होगा, फार्मिक एनहाइड्राइड। ये फार्मिक एसिड है, ये जो एनहाइड्राइड है फार्मिक एसिड से मिलके बना है, तो जिस एसिड से जो डिराइव होगा है ना, तो एसिड वर्ड हटा के हम क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। ये फार्मिक एसिड है और ये फार्मिक एनहाइड्राइड है, फार्मिक एसिड फार्मिक एनहाइड्राइड, यानी ये जो एनहाइड्राइड है फार्मिक एसिड से डिराइव हुआ है, बना है। तो थर्ड नंबर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर पर देखिए नेक्स्ट है एस्टर। जैसे ही मैंने नाम बोला एस्टर, तुरंत आ गया होगा आपको, क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, एसिड एल्कोहल है ना, मिक्स करते तो फ्रूटी स्मेल एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। यहाँ पर एस्टर, इसका फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ऐसे होता है। यहाँ पे R डैश, ये जो R डैश है नॉट इक्वल टू H, R डैश नॉट इक्वल टू H, अगर R डैश क्या हुआ H, अगर R डैश ये क्या हो गया H, H रख देंगे तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड हो जाएगा, फर्स्ट जो पहला मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कार्बोक्जिलिक एसिड। तो अगर R डैश के प्लेस पर मैंने क्या रख दिया H, तो ये क्या हो जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। ये एस्टर है, इसका स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होता है। बस आप आइडेंटिफाई करना है, हमें कार्बोक्जिलिक एसिड को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब एक बार आँखों से बस क्या करिए, देख लीजिए, जैसे किसी इंसान को एक बार आप आँखों से क्या करता है, देख लिया होता है बचपन में, तो वो लंबे समय के बाद भी मिलेगा तो तुरंत उसका नाम याद आ जाएगा। वैसे ही यहाँ भी करना है, आँखों से एक बार बस क्या करना है आपको, स्कैन कर लेना है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वो फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, फार्मिक एसिड के बाद मेरे भाई पांच नंबर पर आता है एसिड हैलाइड। क्या आता है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड आता है, और एसिड हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, वेयर एक्स क्या है, हैलोजन, ये एक्स हैलोजन है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है, एसिड हैलाइड। और सिक्स नंबर पर आता है आपका क्या, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसको हम बोलते हैं क्या, अमाइड, सिक्स नंबर पर, ठीक है। तो ये सिक्स टाइप के मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको बताया,
और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।